सलाम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिजिटल टेक्नीशियन। दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है। बुला लो जब लोग, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद भी है और मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है, यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन जैसे कि दो बंदे झूठ बोल रहे हैं, दो बंदे सच बोल रहे हैं, कैसे पता लगता है कौन बंदा झूठ बोल रहा है कौन बंदा सच बोल रहा है, सही? इसकी भी एक तरह की बुनियाद था। तो बात करते हैं बुलान अलजेब्रा की, जो हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहले आपको ये बता दें कि बुलान अलजेब्रा था क्या, या बुलान अलजेब्रा किस तरह बनाया, कैसे स्टार्ट हुआ उसका। तो बुली जॉर्ज बुली नाम का एक साइंटिस्ट है, 1850 की बात है। 1850 में जॉर्ज बुली ने अपनी पहली बुक की एनालिसिस ऑफ लॉजिक मैथमेटिशियन या मैथमेटिकल, इस नाम की ऐसी बुक थी, उसमें पूरा टॉपिक डिफाइन किया था कि बुलान अलजेब्रा, और उसने सॉल्व करने का मेथड बनाया। ये मानना असल में शुरू में मैथ्स में था, बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ चला गया, क्योंकि 1980s में इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी फैली नहीं थी और इलेक्ट्रॉनिक्स पे इतना वर्क भी नहीं होता। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी फर्स्ट जनरेशन भी जो आई 1950s में आई है, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया, वैक्यूम ट्यूब आया, फिर जाके आया ट्रांसिस्टर आया, फिर जाके ICs आया, फिर जाके माइक्रो प्रोसेसर, फिर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी बुलान अलजेब्रा की 1850 में बुलान अलजेब्रा की जो लॉजिक थी वो आज सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे कैसे काम कर रही है। तो मैं आज आपको स्टूडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ये चीज मैथ्स में भी पढ़ते हैं, कैसे ये चीज कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं, और मैथ्स और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस आता है, या फिर आपकी बुक में किस तरह मौजूद है, फिर ओ लेवल की बुक में किस तरह मौजूद है, फिर आगे जाके आप सर्किट डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें किस तरह शो होता है। तो ये वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि ये चीजें आपको समझने में आसान हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलान अलजेब्रा की। बुलान अलजेब्रा के कुछ मेन फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे कोई कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट। यहां पे हमारे पास जो कॉन्स्टेंट होते हैं वन और जीरो, यानी वन और जीरो। अब वन और जीरो से दो मतलब होते हैं। अगर वन है तो जैसे बाइनरी नंबर में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कंप्यूटर की लॉजिक काम करती है वन और जीरो पे, यानी जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन। तो यानी वन का मतलब हमारा ऑन है और जीरो का मतलब हमारा ऑफ है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर बने हैं, ट्रांजिस्टर से बना है आईसी, आईसी से बना माइक्रो प्रोसेसर, और वन जीरो भी काम करते हैं यानी ऑन ऑफ पे। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि मैथ्स में ये कहा था हमारे पे। तो मैथ्स में जो हमारे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो उसने सोचा भी नहीं था कि ये होगा, तो मैथ में हमारा क्या होता है, वन और जीरो समझे, ये है तो फॉल्स स्टेटमेंट है और ये है ट्रू स्टेटमेंट है। अभी बताते हैं ये इंप्लीमेंट किस तरह होते हैं। पहले आइए हम लोग बढ़ते हैं क्या चीज होती है। कॉन्स्टेंट के बाद हम कह सकते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, अब देखिए हम लोग जैसे एक्सप्रेशन डिफाइन करने के लिए अलजेब्रा में कोई भी एक्सप्रेशन होती है उसके वेरिएबल से डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं। तो बुलान अलजेब्रा में हम जो भी ऑपरेशन करते हैं उसका एक वेरिएबल लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि अगर दो चीजों हमें ऐड करनी है, दो चीजों में हमें करंट देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो तार ले लेंगे किसी चीज पे। जैसे कि अब यहां पे हमारे पास एक मशीन है, सही है, इसमें दो वायर, हमारे ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। अब यहां पे हमारा आउटपुट है, यहां पे कोई लाइट है समझे। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर समझे दो तार आपस में जुड़े हैं, सही है, यहाँ पे तो हम लगा देते हैं कट कि ये सर्किट है, और यहाँ पे एक और कट लगा देते हैं कि ये सर्किट है, ये वाला लाइन ए बी को जोड़ रहा है, ये वाला लाइन बी को जोड़ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे लाइन बी पे जीरो देते हैं, लाइन ए पे वन देते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये सर्किट तो जुड़ जाएगा लेकिन ये वाला से लाइन नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट नहीं चलेगी। लेकिन अगर हम दोनों को वन वन देते हैं तो हमारा क्या होगा, ये सर्किट भी जुड़ जाएगा, ये सर्किट भी जुड़ जाएगा और लाइट हमारी जल जाएगी। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी, बाकी हम लोग ये बता रहे थे कि वेरिएबल हमारे क्या हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, एक्स वाई ईटीसी। अब आ जाती है बुलान फंक्शन, जिसके लिए हम बता रहे थे कि बुलान अलजेब्रा मैथ्स में किस तरह अलग है और कंप्यूटर में किस तरह अलग है। तो दरअसल आप करने के लिए हम डस्टर निकाल लेते हैं, हाँ ये बता लू। अब देखिए इसके तीन मेन फंक्शन होते हैं। अगर हम कंप्यूटर में पढ़े तो हमारे फंक्शन होते हैं नंबर वन और नंबर टू एंड नंबर थ्री नॉट। ये तीन फंक्शन होते हैं जो बुलान अलजेब्रा में होते हैं।
लेकिन मैथ्स में जब गुलाम अलजेब्रा बनाया था तो उस लोगों ने नॉर एंड और नॉट सोच के नहीं बनाया था, उन्होंने समथिंग सोच के बनाया था, होता लॉजिकल ऑपरेशन कि एक स्टेटमेंट को पहचानना कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो उस वक्त हमारा जो और था, और को हम कहते थे डिसजेक्शन, एंड को हम कहते थे कंजेक्शन, और नॉट को हम कहते थे नेगेशन। अब देखें ये तीन फंक्शन है, अब इन तीन फंक्शन से उसने क्या बनाया था, एक तरह का ग्राफ बनाया था, समझे, एक टेबल बनाया था कि टेबल से हमें पता चले कि इस फंक्शन से हो क्या रहा है। जैसे आप जानते हैं कंप्यूटर की एक लॉजिक होती है, वो 1 और 0 पे काम करता है, अगर उसे कुछ भी समझना होगा तो वो ऑन ऑफ करके देखेगा। जैसे अगर आपका नाम है अहमद, फर्स्ट का नाम एक नाम ले लेता है अहमद, तो सबसे पहले वो सोचेगा कि आपका नाम ए से आता है, यस और यू नो, आपने बोल दिया यस ए से आता है, वहां पर टिक हो गया। अब वो पूछेगा आपका सेकंड वर्ड आता है बी आता है सी आता है, ऐसे करके नो नो करते करते कहां तक पहुंचेगा, वो एम तक पहुंचेगा। तो यानी 1 और 0 से, यानी हाँ और ना सवाल से, कि आप कोई और सवाल नहीं पूछ सकते। कंप्यूटर में सिर्फ एक ही लॉजिक है कि या तो वो हाँ पूछ सकता है या तो वो ना पूछ सकता है, कि आपका सवाल हाँ है या ना। ऐसे करते करते वो सारे ऑप्शन निकालते हैं, तभी मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर बनके हमारी आईसीज बनाते हैं, और आईसीज बनके हमारे माइक्रोप्रोसेसर बनाते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी बात पे काम कर रहा है कि हम खुद से एक चीज का दिमाग देते हैं कि वो खुद सोचते हैं समझने की सलाहियत रखते हैं। तो अभी फिलहाल बात करते हैं हम गुलाम अलजेब्रा की, एंड और नॉट काम का काम आते हैं और किस तरह से बनते हैं। तो देखिए इन लोगों का एक ट्रुथ टेबल बनता है, ट्रुथ टेबल हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंट करवाता है कि हम एक चीज का आउटपुट क्या रख सकते हैं। जैसे मैंने मशीन का बताया कि भाई हम लोगों ने एक चीज को ऑन कर दिया, दूसरी तरफ से ऑफ है, दो तारे आपस में ज्वाइंट है, वो एक वाला ऑन है दूसरा वाला ऑफ है, हमारा आंसर क्या आएगा, या किस तरह हम लोग तार लगाएं, या हम लोग किस तरह ऐसी लॉजिक बनाए कंप्यूटर में कि हमारा आंसर इस तरह से सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं और ये हमारा वेरिएबल x, ये हमारा वेरिएबल y, और ये हमारा आउटपुट। हम लोग और में ही कह सकते हैं, और में हमारा क्या होता है प्लस होता है, x प्लस y, सही है। अब हम लोग जैसे कि आपने देखा बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहां पे लॉजिकल प्लस हो रहा है, लॉजिकल प्लस का मतलब ये हो रहा है 0 0 0 0 0 1 1 1 प्लस 0 हमारा 1 1 प्लस 1 1। अब बाइनरी में जब हम 1 प्लस 1 करते हैं 0 होता है विद कैरी 1, लेकिन यहां पे हमारा 1 प्लस 1 1 होता है। अब दूसरी बात करते हैं एंड की, एंड जो हमारा शो होता है वो किससे शो होता है, एक्स डॉट वाई। ये हमारी बाइनरी स्टेटमेंट x y, ये हमारे क्या हो गया वेरिएबल, कांस्टेंट हमारे क्या है भाई, हमारे x y, हमारे 1 और 0 कांस्टेंट होते हैं, x y हमारे वेरिएबल, ये 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहां पे हो रही है एंडिंग यानी डॉट, अब यहां पे क्या हो रहा है 0 डॉट 0 0 0 डॉट 1 1, से जो भी चीज 0 से जो भी चीज डॉट प्रोडक्ट में होगी डॉट होगा, यानी मल्टीप्लाई होगा, वो चीज क्या होगी 0 हो जाएगी, 1.0 0 1.1 1। और क्या कह सकते हैं हम भाई, एक आखिरी यहां पर हमारा क्या है x, बस हम लोगों ने एक लाइन ज्यादा बना दी, इसलिए यहां तक बना दिया x और इसका आउटपुट, कि अगर हमारा x 1 है यह हमारा क्या होता है नॉट, नॉट को हम किस तरह शो कराते हैं कंप्लीमेंट से, यानी उस पर बार हुआ, यानी अगर 0 पे बार है 0 1 है उससे बार लगा तो 0 हो गया, और अगर 0 है उससे बार लगा तो 1 हो गया। नॉट का मतलब ये समझ लें कि जैसे मैं सच नहीं बोलता, यानी सच का लफ्ज तो इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे 1 इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नहीं क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है, ये बात उल्टी हो गई है, तभी हमारा जब कंप्लीमेंट लगता है हमारा नॉट लग जाता है, सही है। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एंड और नॉट, इससे सारी गुलाम अलजेब्रा की एक्सप्रेशन बनती है, इससे सारी लॉजिक बनती है, इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है। अब अगर मशीन में देखें या कंप्यूटर में देखें, ये आपका टॉपिक है। दूसरा, अब ये क्या था हमारा डिसजेक्शन, ये हमारा था कंजेक्शन, और ये हमारा नेगेशन, सही है।
ये हम लोग तीन टॉपिक पढ़े। अब हम लोग बात कर रहे थे एंड और नॉट की। हमने ट्रू टेबल बना दिया, हमने डिफाइन कर दिया, हमें समझ में आ गया प्लस हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इन्वर्ट हो रहा है कि नॉट का चेंज हो रहा है वन और जीरो में, जीरो का चेंज हो रहा है वन में। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे ये यूज क्यों हो रही है, किस तरह मैथ्स में यूज होते हैं। देखिए मैथ्स में पहले बताता हूँ मैथ्स में किस तरह यूज होते हैं। मैथ्स में तो पहली बार इन लोगों की साइनें भी अलग अलग होती है। वहां पे जो साइन होती है इन लोगों की वो होती है कि इसकी जो होती है वो ये होती है कि कंजक्शन की डिजेक्शन की एक्स ये वाई उल्टा भी शो कर रखता है, सही है। कंजक्शन की क्या होती है एक्स वी वाई, और डिजेक्शन की क्या होती है एक्स। यानी मैथ्स में ये चीज इस तरह होती है, कंप्यूटर में ये चीज इस तरह होती है। मैथ्स में ये चीज इस तरह होती है, कंप्यूटर में इस तरह होती है। मैथ्स में इस तरह होती है, कंप्यूटर में इस तरह होती है। अब यूज मैथ और कंप्यूटर का दोनों बता रहा हूं। पहले देखें कंप्यूटर जो हमारा काम करता है सर्किट आउटपुट पर काम करते हैं। अगर हम लोग और में ये हो रहा है कि एक भी आउटपुट हमारा वन है, यानी हम लोग एक तार भी अगर करंट दे रहे हैं या एक तार भी हमारा सर्किट काम कर रहा है तो हमारा आउटपुट वन 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 आ रहा है। यानी हम लोगों को जहाँ पे ऑरिंग करनी हो ये चीज ऑरिंग कहलाती है कि आप जो फंक्शन कर रहे हैं वो और में हो रहा है तो वो ऑरिंग कराएगा। तो जहां हमें ऑरिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग एक इनपुट से यानी आपका एक चीज हाई करने से पूरा रिजल्ट हाई आता है। लेकिन जहां एंडिंग करनी हो वहां क्या हो रहा है कि हमें दोनों चीजें हाई है, यानी दोनों इनपुट जब हाई होंगे तभी प्रोग्राम चलेगा वरना नहीं चलेगा, तभी रिजल्ट आएगा वन वरना नहीं आएगा, तभी सर्किट ऑन होगा वरना नहीं होगा। नॉट में ये होगा कि अगर हम तो एक स्विच बंद कर रहे हैं तो दूसरा खुल जाए या दूसरा बंद कर रहे हैं तो पहला खुल जाए, यानी वन दे रहे हैं तो जीरो जाए, जीरो दे रहे हैं तो वन हो जाए। अब यही चीज मैथ में समझाता हूँ कि मैथ्स में किस तरह थी जो 1850 की लॉजिक जो थी कि उस वक्त जब इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट का निजात नहीं था, मौजूद नहीं था, तो वहां पे क्या था, वहां पे ये थी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के नाम से, वन और जीरो के नाम से नहीं, ट्रू और फॉल्स के नाम से। जीरो के मायने फॉल्स, वन के मायने ट्रू। यानी अगर फर्ज करें जैसे कि हम बता रहे हैं कि हम लॉजिक ये लगा रहे हैं कि दो लोग हैं एक्स में, अगर दोनों झूठ बोल रहे हैं तो आंसर झूठ ही होगा, अगर एक झूठ बोल रहा है एक सच बोल रहा है तो आंसर सच हो सकता है, या फिर अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो आंसर सच ही होगा कोई स्टेटमेंट या कोई एक्सप्रेशन में। अगर ये हमारा ऑरिंग हो रहा है यानी हमारा डिसजेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर कंजेक्शन हो रहा है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रूल बचता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है यानी वन और वन है यानी टीटी है ट्रू है तब जाके हमारा क्या हो रहा है कंजेक्शन हो रहा है और तभी हमारा रिजल्ट सही आ रहा है। यानी दोनों बंदे अगर सच बोल रहे हैं तब जाके हम सच तक नहीं ये बात सच है अगर कंजेक्शन की बात करें। और नॉट में क्या हो रहा है कि भाई जो चीज बोल रहे उसकी उलट होगी, जैसे एक्सप्रेशन अगर गलत है उसकी उलट कर दी तो उसकी सही होगी, सही की उलट गलत होगी। यह हमारे नॉट की मिसाल है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको एंड और नॉट समझ में आया होगा। इसके आगे जो वीडियो डिमॉर्गन लॉ और भी किस तरह सवाल सॉल्व होंगे और किस लॉ से बुलाना अलजेब्रा काम करते हैं और हमारी बुक में जो जो लॉ मौजूद है कि 9 क्लास की बुक की बात करें या ओ लेवल की बुक की बात करें जो बुलाना अलजेब्रा की मेन लॉ है उसके बारे में हम अगली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ पूछना है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई या क्या चीज़ समझ में आई या क्या चीज़ आगे मैं समझाऊँ ताकि इसी टॉपिक से हम वीडियो बनाएं। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।